और अब बात उस आयोजन की जो होता है छत्तीसगढ़ के धमतरी में दशहरे का। देश के दूसरे दशहरे से अलग है ये कई मायनों में। देखिए रिपोर्ट। लोगों के हुजूम के बीच पुतले की पूजा करते ये लोग दरअसल दशहरा मना रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि दशहरा हुए तो दो दिन बीत गए, फिर ये कौन सा आयोजन। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी में बेहद अलग तरीके से मनाया जा रहा ये दशहरा इसलिए खास है क्योंकि ये दशहरे के दिन नहीं बल्कि एकादशी के दिन यानी बुधवार को मनाया गया। ये नजारा है धमतरी से करीब 70 किलोमीटर दूर सिहावा के सोना मगर गांव का, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व को बेहद खास अंदाज में दिखाया गया। इस गांव में बुराई के प्रतीक के रूप में रावण का पुतला नहीं बल्कि सहस्त्रबाहु रावण की मूर्ति बनाई जाती है। मंत्रोच्चार के बाद गांव के पुजारी के हाथों इसका वध होता है और वध के बाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं में मूर्ति के एक एक टुकड़े के लिए होड़ मच जाती है। हर कोई इस मूर्ति की पवित्र मिट्टी को घर ले जाना चाहता है। साथ ही लोग एक दूसरे को मूर्ति की मिट्टी का तिलक लगाकर जीत की खुशियां मनाते हैं। पूरा सियावा क्षेत्र इलाका भर के सब यहीं सब जगह रावण दशमी को मारते हैं और अपने यहाँ एकादशी को रावण यहाँ सियावा में और जगदलपुर में होता है, उसको बेइज्जती करके मानना है। जैसे श्री रामचंद्र जी को सीता जी को जैसे सताया है उसने रावण के रामायण के अनुसार, उसी प्रकार रावण का मट्टी बना के टुकड़ा टुकड़ा करके मारना है, नंगा करके मारना है, ऐसा कर पूर्वजों का कहना है और तलवार से उसका सर काटते हैं। पुरातन काल से ही दशहरा इस इलाके की पहचान रहा है। एकादशी के दिन सुबह से ही दशहरे की रौनक दिखने लगती है। पहले गांव के बाहर शीतला माता को साधने के बाद चांदमारी होती है, फिर सांझ डलने के बाद शुरू होता है पूजा आराधना का दौर। खास बात यह है कि रावण की मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए घरों से लाई गई मिट्टी को गढ़ने का काम अल सुबह से ही शुरू हो जाता है, जिसे साल दर साल गांव के कुम्हार करते आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर साल इस खास आयोजन में सभी धर्म और संप्रदाय के लोग पूरा सहयोग करते हैं। पूरे विधि विधान से मनाए जाने वाले इस आयोजन के बारे में मान्यता है कि सदियों पहले वासना से ग्रसित रावण नाम के असुर का वध माता चंडिका ने अपने खड़क से किया था। हम रावण वध करके माता जी मतलब हमारे शीतला मंदिर से पुजारी जाते हैं, वही उनको वध करते हैं, सात भार घूम करके उनको वध करते हैं और उनका हम मिट्टी से तिलक लगाते हैं, रैनी पान कान में खोसते हैं, एक दूसरे से हम तिलक लगवाते हैं। सदियों से परंपरा चली आ रही है और आज भी इलाके के लोग आस्था की इस डोर को थामे हैं। अलग तरीके से मनाए जाने वाले इस दशहरे के कार्यक्रम में महिलाएं शामिल नहीं होती। सोनपत्ती से रावण वध के बाद उसी मिट्टी को माथे पर लगाकर लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार मनाते हैं। मिट्टी के रावण मारे के अनोखा परंपरा है, जिला हमारे पूर्वज मन बनाए हैं और हम युवा पीढ़ी भी आगे इस परंपरा को कायम रखेंगे। माता जी की प्रार्थना करने जाते हैं शीतला मंदिर में, माता जी को प्रार्थना करके फिर माता जी को साथ लेकर रावण मन में जाते हैं सभी लोग। वहाँ से फिर आ करके फिर सीधा वहाँ जो पर जो कबड्डी ग्राउंड होता है ना, कबड्डी वगैरह सियावा में, वहाँ पर सभी बैठ के फिर वहाँ जश्न मनाते हैं।